और जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज की विविध जीएस में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि कौन क्या कैसे पहने एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको सरकारी नौकरी करना है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतलब ये विविध के साथ साथ सामान्य अध्ययन में भी आपके लिए रामबाण का काम करेगा। आज हम विविध की वो स्पेशल सीरीज लेकर आए हैं, जहाँ से आपकी परीक्षा में, जी हाँ, शिक्षक परीक्षा प्राइमरी और जूनियर में 5 प्रश्न तक पूछे जाते हैं। जी हाँ, 5 प्रश्न तक आते हैं। तो अगर आप इस वीडियो की सीरीज को तैयार कर लेते हैं, तो आपके परीक्षा में 5 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। यह वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, इस वीडियो के अंत तक आपको बने रहना होगा। और साथ ही साथ कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, क्योंकि जब आप कॉपी कलम लेकर बैठते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं कि हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है उसे हम नोट डाउन करवाते चलेंगे, हम उसे आपको लिखवाते चलेंगे, ताकि आपके सिलेक्शन में काफ़ी मददगार हो सके। तो चलिए बिना देरी किए अब हमें कक्षा की शुरुआत करनी चाहिए, और आज की क्लास आपके जीवन की एक ऐतिहासिक क्लास होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो में जुड़ने के बाद शेयर करना ना भूलिएगा। पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है कि बलराम की पत्नी का नाम क्या था। जी हां साथियों, सभी कमेंट करके बताएंगे कि जो बलराम की पत्नी का नाम क्या था। फटाफट कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी कि बलराम की पत्नी का नाम क्या था। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। देखिए, कुछ लोग इसका जवाब ए बता रहे हैं, सुभद्रा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर सुभद्रा जो थी वो क्या थी, ये बलराम की बहन थी। ये बलराम की क्या थी, बहन थी। ठीक, अगर सुभद्रा अर्जुन की दूसरी पत्नी भी थी, और भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम की पत्नी का नाम क्या था, जी हाँ, रेवती था। जी हाँ दोस्तों, रेवती इसका सही जवाब था। ये बलराम की सुभद्रा बहन थी, और रेवती क्या थी, यह इनकी पत्नी थी। यह बात आप लोग याद रखिएगा, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो रेवती इसका राइट आंसर है। रट्टा मार दीजिएगा, परीक्षा में 5 प्रश्न आपके यहाँ से आने वाले हैं। जी हाँ, 5 प्रश्न। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये विविध जीएसजी के आज का है। महाभारत में कर्ण से कवच कुंडल किसने मांगा था। जी हाँ साथियों, भारत के महान व्यक्तित्व, अगर आपने पढ़ा होगा, आपके पाठ्यक्रम में है, तो महान व्यक्तित्व से यह आज का टॉपिक है जीएस और जीके। तो बताइए, कर्ण से कवच कुंडल किसने मांगा था। एकदम आसान प्रश्न है, सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। जितने लोग सरकारी नौकरी करने वाले, सभी जवाब दीजिएगा, फटाफट कमेंट करिए। जी हाँ, कुछ लोग बता रहे हैं युधिष्ठिर, कृष्ण। बताइए फटाफट कमेंट करके कि महाभारत में कर्ण से कवच कुंडल किसने दान में मांगा था। तो देखिए, कर्ण जो कर्ण था वो बहुत ही बड़ा दानवीर था, और कर्ण को जो कवच कुंडल सूर्य ने दिया था, कर्ण को कवच कुंडल किसने दिया था, सूर्य ने दिया था। सूर्य कौन थे, उनके पिता थे। कवच कुंडल एक उपकरण था, जिससे कर्ण को युद्ध में कोई नहीं मार सकता। इस प्रश्न का सबसे सही जवाब होगा इंद्र, इसका राइट आंसर होगा ए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा, जितने साथियों ने इसका ए जवाब दिया था, जी हाँ, ये निशुल्क क्लास आपके लिए, राष्ट्रहित के लिए, देशहित के लिए, एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में मैं इन लर्निंग विद दुर्गेश के प्लेटफॉर्म पे आपको लाइव पढ़ाता हूँ 9:30 बजे। एकदम अलार्म लगा लीजिए अपने मोबाइल पर। इंद्र ने, जी हाँ, कर्ण से कवच कुंडल इंद्र ने मांगा था। आज की विविध में जीएसजीके की महाभारत सीरीज आपके बीच लाइव है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यह दोनों गलत है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी हां साथियों, बड़ा इमामबाड़ा क्या है, फटाफट कमेंट करिए, बताइए बड़ा इमामबाड़ा कहां है, फटाफट बताइए, 10 सेकंड आपके पास है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, बड़ा इमामबाड़ा कहां है, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए, अगर इसका देखा जाए तो जो बड़ा इमामबाड़ा था, यह बना कब था, 1784 में बना था। कब, 1784 में। किसने बनवाया था, तो आसिफ दौला ने बनाया था। किसने, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, इसका नाम था आसिफ दौला। ये नवाब आसिफ दौला ने इसको बनवाया था। कब, 1784 में बनवाया था। तो सभी साथी फटाफट कमेंट करें कि बड़ा इमामबाड़ा कहां पर है। एकदम सही जवाब आ रहा है, एकदम राइट आंसर आप लोग क्या रहे हैं, लखनऊ। जी हां, इसका राइट आंसर है। जी हां साथियों, इस प्रश्न का उत्तर लखनऊ सही जवाब है। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर लखनऊ बताया है, 1784 में नवाब आसिफ दौला ने इसका निर्माण कराया था। तो आपके 2 प्रश्न तैयार हुए। पहला, इमामबाड़ा किसने बनवाया था, तो आसिफ दौला ने बनवाया था। कब बनवाया था, 1784
झांसी में बनवाया था, कहां बनवाया था, लखनऊ में बनवाया था। एक छोटा सा प्रश्न आपका है, आपसे मैं जरूर पूछूंगा, अमृतसर किस लिए प्रसिद्ध है? जो भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जो भविष्य में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, वो कमेंट करके जरूर बताएंगे अमृतसर किस लिए प्रसिद्ध है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अभी तक जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पहले लाइक करिए, फिर वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मेरा आपसे निवेदन है, आज की क्लास आपके जीवन की यादगार क्लास होगी। यहां से 5 प्रश्न आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में आएंगे, विविध का जीएस और जीके। जी हां, विविध का जीएस और जीके आप ध्यान से पढ़ेंगे, 5 प्रश्न आपके तैयार होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, मैक संख्या क्या होती है? जी हां साथियों, कमेंट करके बताइए मैक नंबर किसमें प्रयुक्त होती है। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। सभी साथी बताइएगा स्वर्ण मंदिर के लिए प्रसिद्ध, एकदम राइट आंसर, अमृतसर स्वर्ण मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। आपके डिस्प्ले पर जो प्रश्न दिख रहा है, सभी साथी फटाफट कमेंट जरूर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम सही जवाब आ रहे। वारे साथियों, भगवान करे सभी सरकारी नौकरी करे। जितने लोगों ने वीडियो को लाइक किया है, वीडियो को शेयर किया है, इस वर्ष मैं प्रार्थना करूंगा जल्दी सरकारी नौकरी करें। मैक संख्या के बारे में देखिएगा, एकदम सही जवाब आ रहा है, ये वायुयान से संबंधित है। किससे? वायुयान से संबंधित है, कि देखिए वायुयान में जो गति होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर मोटर वाहन में देखिए, मोटर वाहन कुछ लोग जवाब दे रहे थे, मोटर वाहन में ऑक्टेन नंबर का प्रयोग किया जाता है, लिख लीजिएगा, इसे ऑक्टेन नंबर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, ऑक्टेन नंबर का प्रयोग मोटर वाहन में किया जाता है, जबकि वायुयान में मैक संख्या का प्रयोग किया जाता है। एकदम रट्टा मार लीजिएगा, एकदम रट लीजिए, क्योंकि सिलेक्शन लेना है, ये विविध है जीएस जीके का, और ऐसे प्रश्न आपके लिए आएंगे जो आपको परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, कृष्ण क्रांति निम्नलिखित से किससे संबंधित है? एकदम हलुआ प्रश्न है। जी हां साथियों, फटाफट कमेंट करिएगा और बताइएगा कृष्ण क्रांति बहुप्रयुक्त पद का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी कमेंट करेंगे। देखिए मछली उद्योग की अगर हम बात करें तो ये नीली क्रांति थी, ये कौन सी है? ये आपकी नीली क्रांति है। ठीक है, ये कौन सी क्रांति है? तो ये आपकी नीली क्रांति है, लेकिन इसलिए ये आपका गलत होगा। अब आपको फटाफट कमेंट करना है, जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, यार आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं कटेगा यार, इतना तो कर सकते हैं। एकदम ऐसी सीरीज आपने जीवन में नहीं पढ़ी होगी, सभी को शेयर करिए, कम से कम 10 लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप चाहते हैं कि आप सभी शिक्षक भर्ती में अपना एक पद रिजर्व करें, तब विविध के 50 नंबर की सीरीज में एकदम महत्वपूर्ण सीरीज है। देखिए यहां पर कृष्ण क्रांति, एक कुछ लोग इसको पहली बार सुने होंगे, कुछ लोगों ने इससे पहली बार पढ़ा होगा, पेट्रोल से है। जी हां साथियों, कृष्ण क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? पेट्रोल से है। गुलाबी क्रांति अगर देखा जाए तो झींगा से है, अगर भूरी क्रांति देखा जाए तो किससे है? उर्वरक से है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से है, नीली क्रांति मछली उद्योग से है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पेट्रोल होगा, डी का राइट आंसर होगा। आपके सामने नए प्रश्न हम लाए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। जी हां दोस्तों, जी हां, कि पेट्रोल इसका राइट आंसर है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? जी हां साथियों, फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा, नीली क्रांति का संबंध किससे है? जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए। प्रतिदिन 9:30 बजे अगर सरकारी शिक्षक बनना है तो 9:30 बजे लाइव आ जाया करिए। मोबाइल में अपने अलार्म लगा के रख लीजिएगा कि सरकारी नौकरी करना है तो भैया टाइम से आपको लाइव आना होगा। जल्दी से फटाफट कमेंट करिए, जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। पूरी तरह से निशुल्क क्लास है, जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपको पढ़ा रहा हूं। मत्स्योत्पादन इज राइट आंसर, हमने ऊपर पढ़ाया भी था कि नीली क्रांति का जो संबंध है वो किससे है, यह आप लोग को एकदम अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां से सारे तथ्य समझ में आ गए होंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो को अपने साथी मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगला प्रश्न आपके बीच है कि पीली क्रांति का संबंध किस उत्पादित प्रयोग होता है? ये विविध का जीएस है, विविध का जीएस और जीके है। ठीक है, सभी साथी बताएं, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आज की क्लास आपके जीवन की यादगार क्लास होगी। आज की क्लास पढ़ने के बाद जब भी परीक्षा हाल में जाएंगे आप हमेशा याद रखेंगे कि कितनी महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए थी।
चलिए अब आप लोग अगर वीडियो को शेयर कर दिए हैं, लाइक किया तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन कॉपी कलम लेकर बैठिए, एकदम हलवा प्रश्न है, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए यहां पर पीली क्रांति का संबंध पूछा है, तो भैया पीली क्रांति एकदम रट्टा मार दीजिएगा कि खाद्य तेल से है, एकदम सही है, आप लोगों ने बताया है। दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से होगा, जी हाँ साथियों श्वेत क्रांति से होगा, जी हाँ। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, एकदम सही है। अगला, वेदों की संख्या कितनी है, एकदम सरल जवाब है और एकदम सरल प्रश्न है, तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि वेदों की संख्या कितनी है, फटाफट साथी कमेंट करें और बताएं कि वेदों की संख्या कितनी है, जी हाँ साथियों वेदों की संख्या कितनी है, कॉमेंट करें जल्दी से सभी साथी फटाफट कमेंट करें। ये GS GK है विविध का, बताइए सभी साथी फटाफट कमेंट करके, जो इस वीडियो को लाइव देख रहे सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए वेद की संख्या एकदम सही आप लोगों ने बताया, एकदम हलवा प्रश्न है, वेद की संख्या चार है। चारों वेदों के नाम बताइए, सबसे पुराना वेद कौन सा है। देखिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद है, सबसे पुराना ऋग्वेद है। अगर गाने वाला पूछेगा तो सामवेद में संगीत को प्रधानता है, अथर्वेद में चिकित्सा है तथा जादू टोने का उल्लेख मिलता है। अगर आप चाहें तो चारों वेदों का नाम हम लिख दे, जी हाँ चारों वेदों का नाम ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। ऋग्वेद, फिर क्या है सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, एकदम रट्टा मार दीजिए अगर आपको सरकारी नौकरी करना है, सिलेक्शन लेना है, एकदम विविध 50 नंबर की सीरीज में आज 5 नंबर आपके पक्के हैं, 5 नंबर, जी हाँ अथर्ववेद, ध्यान दीजिएगा यहां से भी आपके प्रश्न बनेंगे। पहला सबसे पुराना ऋग्वेद है। एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, ऋग्वेद किस देवता को समर्पित है, सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, सभी साथी ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद किस देवता को समर्पित है, सभी लोग कमेंट करेंगे। और संगीत वाला वेद कौन सा है, तो जी हाँ साथियों संगीत वाला सामवेद है, जी हाँ एकदम सही बताया। अगर पूछा जाए जादू टोने वाला वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद जो है ये जादू टोने वाला है, जी हाँ जादू टोने वाला वेद अथर्ववेद है। और चिकित्सा भी किस वेद में है, तो भैया सभी साथी बताइएगा, सूर्य देवता को, एकदम सही जवाब, सूर्य देवता को समर्पित है ऋग्वेद। अगर पूछा जाए ओम भूर्भुवस्व किस वेद में है, तो सभी साथी कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ओम भूर्भुवस्व किस वेद में है और किस देवता को समर्पित है, तो सूर्य देवता को समर्पित है। और गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में है, एकदम रट्टा मार दीजिएगा, जी हाँ गायत्री मंत्र जो है एकदम विविध की GS 50 नंबर की सीरीज में, ऐतिहासिक सीरीज आपके लिए है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो गायत्री मंत्र है ये सूर्य देवता को समर्पित है, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, जी हाँ एकदम सही, तीसरे मंडल में बहुत ही सही, क्या जवाब दिया है, मुंडक उपनिषद, जी नहीं अब आप सत्यमेव जयते बता रहे हैं कि मुंडक उपनिषद उसमें है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि जितने साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जितने लोगों ने, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, जितने लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है, ईश्वर करे वे सभी सरकारी नौकरी जरूर से करेंगे, जितने लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, अपने आप को प्रसिद्ध किया है, भगवान करे पूरे जीवन काल ऐसे ही करते रह जाएं, अच्छे लोग सरकारी नौकरी करें, बुरे लोग बुरा काम करते रहें। हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष अपनाया, जी हाँ विविध का GS GK है, ये 5 नंबर आपके परीक्षा में यहाँ से फिक्स आएंगे, तो जो साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे जरूर कमेंट करके बताएंगे, कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, एकदम रट्टा मार दीजिएगा, सिलेक्शन वाली क्लास है आपके लिए, विद्या माई कसम वीडियो को सभी साथी लाइक करने के बाद सभी ग्रुप में शेयर करेंगे फेसबुक में, ठीक है। बुरे लोग को बुरा बोलना चाहिए, नहीं तो अच्छे लोग की गिनती नहीं होगी, इसलिए अच्छे बुरे में फर्क पता होना चाहिए, जी हाँ साथियों अच्छे बुरे में फर्क पता होना चाहिए, अच्छे लोग अच्छी जगह जाएंगे, बच्चों को अच्छी चीजें पढ़ाएंगे, ठीक है। बताइए भारत सरकार द्वारा, देखिए इस प्रश्न का जवाब सभी साथी देंगे, देखिए यह था 1852 में, ध्यान से देखिएगा 1852 में भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में किया था, किसके जरिए किया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, जी हां ध्यान से देखिएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1952 में परिवार नियोजन, जी हाँ परिवार नियोजन की शुरुआत किया गया था। और ये भारत में परिवार नियोजन लागू करने वाला भारत जो है, भारत विश्व का पहला देश है, विश्व का पहला
देश है। अब बताइए, अगर एक प्रश्न पूछ दिया जाए, लाल त्रिकोण किसका सिंबल है? जी हाँ, लाल त्रिकोण किसका सिंबल है? कमेंट करके बताइएगा। जितने साथी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और जवाब देंगे कि लाल त्रिकोण किसका संबंध है। जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा। परिवार नियोजन पहली बार सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व में लागू होने वाला विश्व का पहला देश भारत था। लेकिन लाल त्रिकोण, जी हाँ, लाल त्रिकोण का संबंध परिवार नियोजन से है। एकदम रट्टा मार लीजिएगा, यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा प्राइमरी जूनियर दोनों के लिए जीएस की महामाराथन सीरीज में विविध के इस कॉन्सेप्ट में कि लाल त्रिकोण का संबंध परिवार नियोजन से है, यूपीटीटी का पूछा रिपीटेड प्रश्न है और ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आया था और विश्व का पहला देश भारत है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। जी हां साथियों, अगले प्रश्न की तरफ। ये पूरी तरह से निशुल्क क्लास आपके बीच है, ध्यान दीजिएगा। सबसे अधिक समय तक किसी भी राजनीतिक दल का अध्यक्ष बने रहने के लिए लिम्का ईयर बुक में किसको सम्मानित किया गया? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। विविध की सीरीज है, डेली क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग भी दुर्गेश पर जुड़ जाएंगे। 9:30 बजे क्लास आपके लिए लाइव आती है जो बिल्कुल फ्री होती है। ऑनलाइन क्लास संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये जौनपुर जनपद से निशुल्क क्लास आपके लिए लाइव चलती है मेरे द्वारा। सभी साथी फटाफट कमेंट कर। देखिए, लिम्का ईयर बुक में ये एकदम विविध का प्रश्न है। अगर आप विविध में तैयारी करना चाहते हैं तो भैया रट्टा मार दीजिएगा। मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि अभी हाल ही में बिहार में चुनाव हुआ है, इसलिए प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे अधिक समय तक किसी राजनीतिक दल का अध्यक्ष बने रहने के लिए लिम्का ईयर बुक में लालू यादव का नाम सम्मिलित किया गया है। एकदम रट्टा मार दीजिएगा। जी हाँ, ये लालू यादव सम्मानित किए गए थे, ठीक है, जनता दल के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन हो सकता है, अभी हाल ही में हो सकता है कोई बदल गया हो, ठीक है। इसलिए लालू यादव को सम्मानित किया गया था काफी दिन पहले की, थोड़ी सी पुरानी विविध है लेकिन इंपॉर्टेंट था, मैंने करा दिया। हाल ही में कुछ लोग सोनिया गांधी को कह रहे थे, तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है राजनीतिक दल का अध्यक्ष बने रहने के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? ये रचनाएं आपकी विविध में होगा। अगर आपने विविध का सिलेबस देखा होगा तो महान व्यक्तित्व के साथ साथ रचनाएं भी थी, तो वहां पर आपको बताना है सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे। ये रचनाकार एकदम इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी बताएं सरकारी शिक्षक बनने का इसे सुनहरा मौका आपके हाथ से न जाने पाए। प्रतिदिन 9:30 बजे विविध की जीएस जीके में आपके लिए लाइव चलती है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। सबसे अधिक सुधारवादी, सभी साथी कमेंट करें। देखिए, सबसे ज्यादा सुधारवादी एकदम सही जवाब आ रहा है, एकदम राइट आंसर सभी लोग दे रहे हैं। जी हाँ, कबीर इसका सही जवाब होगा। कबीर भक्ति काल के, ध्यान दीजिएगा, ये निर्गुण, ध्यान से एकदम देखिएगा, ये निर्गुण भक्ति, ये भक्ति धारा के कवि थे, भक्ति धारा के कवि थे, ठीक है। और ये सब, ये कवि तथा समाज सुधारक दोनों थे, ये दोनों थे। आपने इनकी कहानियां पढ़ी होगी, ये आपके भारत के महान व्यक्तित्व में है, ये आपके पाठ्यक्रम में है, ये आपके सिलेबस में है, ये एनसीईआरटी एसआईटी दोनों में है। तो कबीर, इन्होंने धार्मिक जो आवंडर था, आडंबर, इसका इन्होंने विरोध किया, हिंदू मुसलमानों के बीच को, खाई को पीटने का काम किया, मिटाने का काम किया और फिर एकता के सूत्र में पिरोया भी। समाज सुधारक में सबसे ज्यादा इनका योगदान माना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया था वो हम कबीर है, कबीर का कोई दोहा अगर किसी को याद हो तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। जी हाँ, कबीर का कोई दोहा, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछ सकता है रचनाओं में। जी हाँ साथियों, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं। जी हाँ, कबीर का दोहा जरूर बताना है। कबीर का जन्म स्थान कहाँ हुआ है, इन सभी के बारे में आप सभी को जवाब देना है और एकदम रट्टा मार के रखना है एकदम। जी हाँ, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए, आप लोग को मैंने आपको कई बार बताया है कि सभी चीजें ध्यान से पढ़िए, उनको जानिए, क्योंकि आप सभी का सिलेक्शन लेना है। सभी लोग फटाफट बताएं। हाँ,
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो मुस्सा बुरा न कोई। ये सब कबीर दास के दोहे हैं। हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ, उम्मीद करते हैं आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। जी हाँ, इनका लहरतारा वाराणसी में इनका जन्म स्थान माना जाता है। अगला प्रश्न है, चंपू क्या है? सभी साथी फटाफट कॉमेंट करके जवाब देंगे। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम का परहस पंडित होए। चलिए, चंपू क्या है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें। विविध की काफी महत्वपूर्ण क्लास आपके बीच लाइव है, तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि चंपू क्या है। जी हाँ साथियों, चंपू क्या है कमेंट जरूर करिएगा। जी हाँ साथियों, फटाफट कमेंट करके बताइए चंपू क्या है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें चंपू क्या है। देखिए, ये विविध जीएसजी के है, मैंने आपको बार बार बताया, जो लोग लाइव है वीडियो को लाइक तो कर दे, पैसा नहीं करता। बताइए, मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, इतने प्रश्न का कलेक्शन लेकर आता हूँ, अब लाइक करने में आपका पैसा कट जाता है। ध्यान से देखिएगा, चंपू क्या है? चंपू देखिए, ध्यान से एकदम बताइएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में है, पुराना कन्नड़ गद्य है, संस्कृत छंद, इतिहास की कहानी, गद्यों पद्य की जो मिली जुली पद्धति होती है उसे हम चंपू कहते हैं। जी हाँ, यह मिश्रित प्रयोग किया जाता है जहां पर गद्य और पद्य का, हम उसे चंपू कहते हैं। रट्टा मार लीजिए, एकदम रचना में है, या आपके विविध के जीएस और जीके में है, 5 नंबर आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में आएंगे यहां से। एकदम रट्टा मारिए, कॉपी कलम लेकर बैठो तो लिख लीजिए। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। गद्य पद्य दोनों डी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके बीच है, सजग रहो, क्या जवाब प्रश्न है आपका। विविध का प्रश्न है, सजग रहो किसका आदर्श वाक्य है? जी हाँ साथियों, फटाफट कमेंट करके बताइए। 9:30 बजे लाइव आ जाए करिए, अलार्म लगा लीजिए आप लोग, 1-2 मिनट कभी कभी लेट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा निःशुल्क क्लास और PDF के लिए, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जरूर जुड़िएगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश है। सजग रहो आदर्श वाक्य किसका है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए, सजग रहो ये आपके सिलेबस में है, ये आपके पाठ्यक्रम में है, एकदम राइट, स्काउट में है, क्योंकि स्काउट आपके सिलेबस में है। चाहे आपने BTC BEd किया होगा, स्काउट आपने जरूर किया होगा, इसलिए आपके पाठ्यक्रम में है स्काउट। यह 1971 में, जी हां, जो कनाडा में वैंकूवर ग्रीन पीस संस्था पर्यावरण में कार्यरत एक स्वयंसेवी ने अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाया था। यह 40 देशों में चलती है, इसका मुख्यालय एमस्टर्डम नीदरलैंड में है। ठीक है, आगे हम इसके बारे में बात करते हैं। जी हाँ, कुछ लोग NCC बता रहे हैं। देखिए, NCC जो है ये नेशनल कैंडिडेट कोर है, इसकी स्थापना 15 जुलाई 1948 को हुआ था। एकदम रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है, एकदम रट्टा मार लीजिए सभी साथी जो लोग लाइव देख रहे हैं। मैं आगे बढ़ूं अगले प्रश्न की तरफ, एकदम रट लीजिए, ये आपके सिलेबस में है, स्काउट भी और नेशनल कैंडिडेट कोर भी। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, एकदम सरल प्रश्न है, आजकल आपके लिए शिक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं। सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श सूक्ति है? सत्य, देव, दैवत्य और सौंदर्य, एकदम हलवा प्रश्न है। अगर आपने इसको जवाब नहीं दिया तो बताइए, जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जितने लोग सरकारी शिक्षक बनना चाह रहे हैं, उनके लिए लाजवाब है, एकदम रट्टा मार दीजिएगा। सभी साथी जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी पहले वीडियो को शेयर कर दें, सभी साथी अपने फेसबुक पर शेयर कर दें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें। यार, आप लोग लाइव आते हैं पहले कमेंट किया करिए, शेयर किया करिए। मानिए परीक्षा हाल में बैठे हैं, कम से कम 1000 की संख्या पहुंचाइए, इससे बेहतर अगर कोई पढ़ा दे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बताइए, ये एक दूरदर्शन का वाक्य है। जी हाँ, दूरदर्शन का है, और इस समय जो भी कक्षाएं चल रही है, जी हाँ, जो सरकारी कक्षा, जो सरकारी स्कूल की कक्षाएं चल रही हैं, इसलिए सरकारी स्कूल की कक्षाएं कहां चल रही हैं? दूरदर्शन पे चल रही हैं, इसलिए प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श शक्ति वाक्य है? तो किसका है? दूरदर्शन का है। तो एकदम लेटेस्ट प्रश्न है आपके लिए, जितनी भी सरकारी, चाहे प्राइमरी हो, जूनियर हो, इंटरमीडिएट हो, सभी की क्लासेस कहां पे चल रही है? दूरदर्शन चैनल पे चल रही है, इसलिए यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, शिक्षक भर्ती की परीक्षा में पूछा जा सकता है, विविध के सिलेबस में पूछा जा सकता है। रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, आपको सरकारी अध्यापक या अध्यापिका बनना है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपने शक्तिमान देखा होगा तो याद होगा, हमने देखा है बहुत। आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं। ये विविध का है, ये करंट में भी आता है, लेकिन हम लोग थियरी टाइप का पढ़ रहे हैं। जी हाँ, प्रतिदिन
प्रतिदिन आपको तैयारी करना है, कम से कम 5 प्रश्न अगर आपने पढ़ लिया तो शिक्षक भर्ती का 5 प्रश्न तैयार हो जाएगा। आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, सभी साथी कमेंट जरूर करके बताएंगे कि आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। फटाफट कमेंट करिएगा, जरूर लाइव है जो लोग, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए आर्थिक सर्वे गलत या सही जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी आपकी जिम्मेदारी है। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मेरा विनम्र निवेदन है 9:30 बजे अपने सभी साथी मित्रों को बता दीजिए, स्टेटस लगा लीजिए, अलार्म लगा लीजिए, सिलेक्शन वाली क्लास आपके लिए आती है। ध्यान दीजिएगा, आर्थिक सर्वे जो है वह हमारे यहाँ वित्त मंत्रालय द्वारा, जी हाँ वित्त मंत्रालय द्वारा, ये बजट से पहले, जी हम बजट से पहले ये वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसलिए इसमें पिछले वर्ष का जो विवरण है वो दिया गया होता है, सीएसओ के द्वारा नहीं। सीएसओ का फुल फॉर्म बताइए, सभी साथी बताइए सीएसओ का फुल फॉर्म क्या होगा, ये भी नहीं होगा, ये आरबीआई होता है। ठीक, सीएसओ का फुल फॉर्म क्या होगा, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, जी हाँ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसका फुल फॉर्म होता है, ये याद कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा, ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। जितने साथियों ने ए बताया था उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। सीएसओ का फुल फॉर्म सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होता है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं। अगला प्रश्न आपके बीच है, शायद आपको दिख रहा होगा, यहाँ एकदम हलवा प्रश्न है, 3 प्रश्न यहाँ से बनेगा। प्रश्न क्या है, यहाँ पर वन अनुसंधान संस्थान है, यहाँ पर गुरुकुल की कांगड़ी विश्वविद्यालय है, यहाँ पर भारतीय सैनिक अकादमी है, ये कौन सा राज्य है भारत का, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। यार आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, मुझे बार बार कहना पड़ रहा है, यार आपकी जिम्मेदारी, अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला इंसान मेहनत से पढ़ा रहा है, ईमानदारी से पढ़ा रहा है, यार मैं गवर्नमेंट शिक्षक हूँ फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, मैं अपना बचा हुआ समय आपको देता हूँ, मैं आराम कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ आप भी कुछ बड़ा करें, आप भी सरकारी शिक्षक बने, इसलिए मैं आपके बीच लाइव प्रतिदिन टाइम से आता हूँ, तैयार करवाता हूँ क्वेश्चन, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है लोगों तक पहुंचाना। इसका जवाब उत्तरांचल होगा, जिसका नाम बदलकर अब उत्तराखंड हो गया, इसे पहले उत्तरांचल कहते थे, यह अब उसका नाम क्या हो गया है, उत्तराखंड हो गया है। इसलिए जिन साथियों ने इस प्रश्न का जवाब उत्तराखंड बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। जी हाँ साथियों एकदम सही, आप लोग ऐसे जुड़े रहिएगा, कितना अच्छा लग रहा है, मतलब ये लग रहा है कि आप लोग वास्तव में अब सिलेक्शन जरूर लेंगे। अब हम और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, हम आगे बढ़ रहे हैं, इसका उत्तर क्या होगा, उत्तरांचल इसका राइट आंसर होगा, उत्तराखंड इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है, एशिया का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, सभी साथी फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और जवाब जरूर देंगे, बताइए सभी साथी फटाफट कमेंट करके। डेली 9:30 बजे सिलेक्शन वाली क्लास है, 5 प्रश्न यहां से फिक्स आपकी परीक्षा में आएगा, जी हाँ 5 अंक आपके आएंगे। बताइए किसे कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं, गौतम बुद्ध, विविध का जीएस जीके है, और यहां से आपकी परीक्षा में 5 अंक नए हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, एशिया का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, जी हाँ एकदम सही बताया। यहां पर देखिए माओ त्सेके तुंग के बारे में बता दूं कि चीन के साम्यवादी क्रांतिकारी के सूत्रधार और दलाई लामा को तिब्बत का आध्यात्मिक नेता कहा जाता है, इन्हें तिब्बत का आध्यात्मिक नेता कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहते हैं, अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहते हैं, महात्मा गांधी को बापू कहते हैं, ध्यान दीजिएगा महात्मा भी कहते हैं। तो आपसे सवाल है कि महात्मा गांधी को बापू किसने कहा, महात्मा किसने कहा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। सभी साथी जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जो सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं वो इतना जरूर कमेंट करके बताएंगे कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा, बापू किसने कहा, क्योंकि यह प्रश्न आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में रट्टा मार लीजिएगा, फिक्स पूछे जाएंगे एकदम, क्योंकि विविध आप पढ़ रहे हैं और आपने देखा होगा विविध में महान व्यक्तित्व है, इसलिए यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, आप लोग जवाब देते रहिएगा। केरल का उच्चतम न्यायालय कहां पर स्थित है, जी हां साथियों केरल लिखिए, क्योंकि राज्य का भी परिचय हम आपसे कराते चल रहे हैं।
यहाँ पे सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए आप लोग क्या करिएगा, जैसे मैं मैप बना रहा हूँ वैसे मैप भी बनाना सीख लीजिएगा। माना ये भारत है, बहुत अच्छा तो नहीं बना, भारत है। इस भारत में केरल कहाँ है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि केरल कहाँ पर है, तो जी हाँ साथियों यह हमारा केरल है। केरल को क्या कहते हैं आपको पता है? केरल जो है आपका ये भारत में सबसे पहले वर्षा यहाँ पर होती है, यहाँ पर साइलेंट वैली है भारत की, जब विविधता सबसे ज्यादा है। तो आप सभी का जवाब भी होगा केरल का उच्च न्यायालय कहां पर है। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि भैया केरल का जो उच्च न्यायालय है वो कहां पर है। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, बताइए सभी साथी फटाफट कमेंट करके। देखिए अगर आप लोग जवाब नहीं देंगे हम इतनी मेहनत से कैसे पढ़ाएं, बताइए आप लोग मतलब सहयोग तो करना चाहिए थोड़ा सा, नहीं करेंगे आप सब यार, इतनी तो मदद करनी चाहिए। केरल का उच्च न्यायालय कहां पर है? हाँ अच्छा, कोचीन में है, एर्नाकुलम में है, कहां पर है बताइए, कहां पर है? एकदम यार मैंने आपको कई बार बताया कि एकदम सरल प्रश्न के अंतर्गत आता है, केरल का उच्च न्यायालय कहां पर है? मैंने मैप बना दिया, मैप में आपको मैंने दिखा भी दिया कि यहां पे आपका केरल है, आपको यही बताना है कि कहां पर ये मिलेगा। तो एकदम सही जवाब है एर्नाकुलम, इसका सही जवाब होगा, सी प्रश्न का राइट आंसर होगा। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं, सी इसका राइट आंसर है, एर्नाकुलम है। ठीक है आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, गुप्त लेखन से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, गुप्त लेखन को क्या कहते हैं? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जो लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, शिक्षक भर्ती परीक्षा प्राइमरी जूनियर उत्तीर्ण करना है, तो सभी साथी जवाब देंगे। गुप्त लेखन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है, एकदम सही, ए वाले राइट आंसर है, क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। जी हाँ क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, और ये इसका कूट लेखन का उपयोग किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ये गुप्त लेखन है। गुप्त का मतलब क्या होता है? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जनवरी में इसको क्रिप्टोग्राफिक उपकरण का प्रयोग किया जाता था, ये कूट लेखन है, सेक्रेट लेखन है। ठीक है इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा विविध के पाठ्यक्रम में है आपके। अगर आपने शिक्षक भर्ती का सिलेबस पढ़ा होगा तो ये 5 नंबर आपके फिक्स वाली क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे लाइव चलती है, इसके अलार्म लगा लीजिए निशुल्क क्लास पढ़ने के लिए। हम आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? सभी साथी जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे, साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। अगर इसकी स्थापना देखा जाए तो 1985 में हुई थी। ठीक है इसे क्या कहते हैं, SECL के नाम से जाना जाता है, साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड। तो ये कहां पर है, बिलासपुर में है। बिलासपुर कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है, राजधानी इसकी क्या है, वो रायपुर है। इसकी राजधानी क्या है, कैपिटल इसकी रायपुर है। लेकिन प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 20 का होगा, 20 का सही जवाब है। तो जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर बिलासपुर बताया था उनका जवाब सही है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, सभी साथी फटाफट कमेंट करें, एकदम सरल प्रश्न है, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। कर्म ही पूजा है ये किसका वाक्य है, ये शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है, और ये निशुल्क क्लास एज ए गेस्ट फैकल्टी ग्रुप में मैं इलनी भी दुर्गेश से आपको लाइव पढ़ाता हूं, और ऑनलाइन क्लास संबंधित यदि कोई आपको जानकारी चाहिए, क्लास या नोट्स संबंधित इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। मेरी व्यक्तिगत क्लास जो है वो आपको निशुल्क मिलती है, और ये सभी क्लास की जो लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगी दुर्गेश सर्च करके इलर्निंग विद दुर्गेश पर, यह क्लास आपको 9:30 बजे लाइव चलती है। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा,
मेरा एक चैनल और है जिस पर बाकी क्लासेज मिलते हैं, स्टडी विद दुर्गेश सर, उसे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबा के रखिएगा। कर्म ही पूजा है, ये किसका वाक्य है? एकदम सही बताइए आप लोग। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं गांधी जी, तो देखिए गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। कर्म ही पूजा है ये किसने कहा था? यह बसवान ने कहा था। जी हाँ, ये कर्नाटक के बीजापुर जिले से थे। ये कहाँ के थे? ये कर्नाटक के थे। इनका वाक्य था कि कर्म ही पूजा है, लेकिन हम लोगों ने काफी गलतियां कर दी। अगर यहां पे गलती करिए, परीक्षा हाल में गलती नहीं होनी चाहिए। अब ये मान कर चलिए कि भविष्य में अगर आएगा तो बसवान होगा, गांधी जी नहीं होगा, विश्वेश्वरैया नहीं होगा, महात्मा बुद्ध नहीं होगा। इस प्रश्न का उत्तर बसवान होगा। ये कर्नाटक के कहां के थे? बीजापुर जिले के थे। जी हाँ, ये बीजापुर के थे। इन्होंने कहा था कर्म ही पूजा है, करो या मरो महात्मा गांधी ने कहा था। जी हाँ, करो या मरो महात्मा गांधी का था, लेकिन यहां पे क्या होगा? बसावना होगा। ठीक है, बसावन सही जवाब है। मैं आगे बढ़ाऊं अगले प्रश्न की तरफ। तो आप लोग की जिम्मेदारी है 1000 से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। क्या आप लोग इस वीडियो को अपने साथी मित्रों को शेयर करेंगे? क्या आपको लगता है कि आप सभी इस वीडियो से सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं? तो आप इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। आगे बढ़ रहे हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैं एक छोटा सा मैप बनाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ऐसे ही है। ये क्या है, आपने ध्यान से देखा होगा, ये हमारा उत्तरी अमेरिका है। ये उत्तरी अमेरिका का मैंने चित्र बनाया है। ऊपर आपका ये कनाडा है जो कटापटा हिस्सा है। ठीक है, यहां पर ये हिस्सा दिख रहा है, ये इसी को हम कैलिफोर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया जो सिलिकॉन वैली है, एकदम जवाब आराम से दीजिएगा कि जो सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली है वो कहाँ पे है? इसी कैलिफोर्निया में है। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में। तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है, कैलिफोर्निया बताया है, उनके जवाब पूरी तरह से सही है। ठीक है, एकदम ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये ऐसे ही बना होगा मैप अगर देखेंगे तो, यही पर है आपका। ठीक, ये शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा की है। जी हाँ, आप लोग जुड़े रहिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप के व्हाट्सएप स्टेटस पे जगह दीजिएगा। आप किस जिले से हैं उस जिले का नाम लिखिएगा और अपने जिले की विशेषता लिखिएगा, ताकि हम सभी को रट जाए। आप किस जिले से हैं, उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के बाहर जिस जिलों से हैं आप, उस जिले का नाम। जैसे मैं जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से हूँ। हमारे यहाँ मूली, मक्का, बेनी राम की मूर्ति बहुत ही प्रसिद्ध है। और आप अपने जिले का नाम और उसकी विशेषता कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि जो लोग कमेंट पढ़ रहे हैं उन सभी का एक नंबर तैयार हो जाए। एक प्रश्न, क्योंकि आपके सिलेबस में उत्तर प्रदेश स्पेशल भी है, ध्यान दीजिएगा, अक्षर दसोहा क्या है? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा विविध जीएस जीके में, ठीक है, अक्षर दसोहा क्या है? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे। कल्पना जी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, जितने लोगों ने इस वीडियो को लाइक और शेयर किया, ईश्वर करे वो जल्दी सरकारी नौकरी करे, और जितने लोगों ने वीडियो को लाइक किया, भगवान करे वो जिंदगी भर ऐसे ही काम करते रह जाएं, क्योंकि अच्छे लोग अच्छे जगह जाएंगे, बुरे लोग बुरे काम करेंगे, क्योंकि उन्हें अच्छा करने की आदत ही नहीं है। सभी साथी बताएं अक्षर दसोहा क्या है, सभी साथी फटाफट कमेंट जरूर करेंगे, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। अगर आपको लग रहा है मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो लोगों तक जरूर पहुंचाएगा। इत्र नगरी कन्नौज, अच्छा जौनपुर के हैं, मैं भी जौनपुर से हूं, अच्छा दसोहा क्या है कमेंट जरूर करिएगा। जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं, एकदम रटा रटा प्रश्न है, ये क्या है? देखिए, आप प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो दोपहर का भोजन जो है उसे अच्छा दसोहा कहते हैं। जी हाँ, एकदम रट्टा मार लीजिएगा, ये भारत सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पोषण में सुधार के लिए, उनके विद्यालय न छोड़े इसलिए 15 अगस्त, ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त 1995 में राष्ट्रीय पोषणी सहायता कार्यक्रम लागू किया था, और इसी को हम अक्षर दसोहा के नाम से जानते हैं। जी हाँ, जिसमें 3 किलो प्रतिमा खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता था। फिर बाद में आगे इसके बारे में, अक्षर दसोहा क्या है, जून 2002 में केंद्र सरकार की सहायता से कर्नाटक सरकार ने अक्षर दसोहा, जिसे हम MDM कहते हैं, MDM कहते हैं, किसने? कर्नाटक ने। कर्नाटक ने कब? 2002 में क्या किया? अक्षर दसोहा, इसी को कहते हैं अक्षर दसोहा। MDM
मध्यान्ह भोजन योजना को 7 जिलों में लागू किया था और फिर 1 जून 2005 से ये लगभग पूरे जगह लागू हो गया। कब से? 1 जून 2005 से। ये आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में है, इसलिए इसे तैयार करिएगा, ठीक है। फिर 1 मार्च, ये पहले 1 से 5 तक था, 1 से लेकर 5 तक, लेकिन 1 से लेकर 8 तक कब हुआ? कोई कमेंट करके बताए, 1 से लेकर 8 तक कब हुआ? तो 1 मार्च 2008 से, 1 मार्च 2008 से 1 से लेकर 8 तक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा के साथ साथ भोजन भी दिया जाएगा, जिसे अक्षर दसोवा कहते हैं। एकदम रट्टा मान लीजिएगा, सभी साथी अगर सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी करना है, सरकारी शिक्षक बनना है, तो यह प्रश्न आपके दिमाग में फीड होना चाहिए कि पहली बार भारत में 15 अगस्त 1995 को क्या दिया जाता था? उनके पोषण स्तर में सुधार के लिए उन्हें हम 1 से 5 तक के बच्चों को 3 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराते थे, लेकिन 2002 में कर्नाटक ने सेंट्रल गवर्नमेंट की सहायता से MDM अक्षर दसोहा शुरू की, लेकिन फिर 1 जून 2005 को तैयार भोजन, यहाँ पर 1 जून से क्या हुआ? तैयार भोजन, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तैयार भोजन दिया जाने लगा 1 जून 2005 से, ठीक है। फिर 1 मार्च 2008 से 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को निशुल्क भोजन उपलब्ध कराया गया। इसको रट्टा मार लीजिएगा सभी लोग, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, दिमाग में फीड कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आप मत कहिएगा सर यहां से प्रश्न आए और आपके गलत हो गए। आपकी जिम्मेदारी है, यहां पे 3 मिला, पहला क्या क्या मिला? 1 मार्च 2008 से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को तैयार भोजन, 1 जून 2005 से, 15 अगस्त 1995 को लागू हुआ, अच्छा दसोवा MDM कर्नाटक 2002 जून से शुरू हुआ, जी हाँ जून, यहाँ पे लीजिएगा, जी हाँ सभी साथी, अच्छा दसोवा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, से स्क्रीन शॉट हो गया आपका। चलिए अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर साफ दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 1 सुमेलित है और 3 सुमेलित नहीं है, फटाफट कमेंट करके बताइए। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, क्या आपने इस वीडियो को अपने साथी मित्रों को शेयर किया? अगर आपने किया है तो मुझे बार बार कहना पड़ता है, आप अगर मेरी मदद करना चाहते हैं तो किसी व्यक्ति की मदद करिए जिसकी इस वीडियो से भला हो जाए, सिलेक्शन मिल जाए, तो मेरा आपसे निवेदन है कि 1 शेयर राष्ट्रहित में, देशहित में, ताकि हमारी निःशुल्क शिक्षा की क्लास उन सभी के घर पहुंच सके जो एक भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं, चाहे महिला पुरुष जो भी हो। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब जो है आपको मैं एक एक करके देता रहूंगा और उम्मीद करता रहूंगा मैं आपको सिलेक्शन के नजदीक लेता चलूँ। देखिए यहाँ पर इंग्लैंड में स्टर्लिंग है, क्या है इंग्लैंड की स्टर्लिंग? क्या है? यहाँ की मुद्रा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है? इसकी मुद्रा है। लोग पूछेंगे सर ये क्या दिया है? सऊदी अरब की रियाल मुद्रा है, ये विविध के सिलेबस में, स्वीडन की मार्क मुद्रा है, लेकिन लीरा वेटिकन सिटी की नहीं है, लीरा किसकी है? इटली की है, इटली की, इसलिए ये गलत है, और जो गलत है वही सही होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि लीरा इटली की मुद्रा है, इंग्लैंड की स्टर्लिंग है, सऊदी अरब की रियाल, स्वीडन की मार्क है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पता हो गया, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे थे, इस प्रश्न का उत्तर जो गलत है वही सही है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, आपको सरकारी नौकरी करना है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन तब तक जितने लोग आप लोग जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, अगर आपने वीडियो को लोगों तक पहुंचाया है तो आपका धन्यवाद। हम और आगे, भाई क्लास लंबी होगी, भागिएगा मत, क्योंकि भागती भूत का लंगोट ही सही। लंदन किस नदी के किनारे बसा है? एकदम हलवा प्रश्न है, लेकिन रटा रटाया प्रश्न है, सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, जवाब जरूर दीजिएगा, लंदन किस नदी के किनारे है? जल्दी से फटाफट कमेंट करिए, सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए, जवाब दीजिए, लंदन किस नदी के किनारे बसा है? जितने लोगों ने लाइक किया है, भगवान करे वो ऐसे जीवन भर करते रह जाए, लेकिन आप लोग जरूर नौकरी पाएंगे जितने लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया। अच्छे लोग, अच्छे विचारधारा के लोग सफल जरूर होते हैं, बताइए। लंदन एकदम हलुआ प्रश्न है, जी हाँ एकदम हलुआ, रट्टा मार लीजिए, यह टेम्स नदी के किनारे बसा है। अब बताइए कोयले वाली नदी कौन सी है? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, ठीक है, जी हाँ, देखिए बोन शहर, जर्मनी का एक बोन शहर है, वो राइन नदी के है, और राइन नदी को कोयले वाली नदी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कोयले वाली नदी
कोयले वाली नदी राइन नदी को कहा जाता है और जर्मनी का बोन शहर राइन नदी किनारे बसा है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे मैंने आपके दो प्रश्न तैयार करा दिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे, सिलेक्शन के लिए होंगे। टेम्स नदी इसका आंसर होगा, लेकिन राइन नदी कोयले वाली नदी है, बोन एक शहर है जर्मनी का, वो राइन नदी किनारे बसा है, इंपॉर्टेंट है ये। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने एकदम हलवा है। चलिए उम्मीद करता हूं कि आज के लिए इतना ही, आज की क्लास शायद खत्म हो गई है। नहीं है, 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 है। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच है, ध्यान से देखिएगा, भाग्यगा मत। पांडवों में से अर्जुन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, अर्जुन को किस नाम से जानते हैं? सभी साथी फटाफट जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए अर्जुन को अन्य दस नामों से जानते हैं, अन्य दस नामों से जाना जाता है। ये आपके सिलेबस में है, विविध महान व्यक्तित्व आपके सिलेबस में है। अगर आपने विविध पढ़ा होगा, अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे होंगे, तो ये 50 नंबर की सीरीज है। जी हाँ, ऑनलाइन क्लास नोट्स अगर संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है और ये जौनपुर जनपद में है, आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। ये क्लास प्रतिदिन 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर फ्री चलती है, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलता है, दुर्गेश सर सर्च कर। ये क्लास काफ़ी लंबी होती है, इसलिए कॉपी कलम लेकर बैठा करिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अंकित 10 नाम कौन कौन से है, कॉपी कलम लेकर बैठे हो तो लिख लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, अर्जुन को अर्जुन कहते हैं, ठीक है, अर्जुन को अर्जुन कहते हैं, फाल्गुन कहते हैं, कीर्ति कहते हैं, जिष्णु कहते हैं, श्वेतवाहन कहते हैं, विभत्सु, विजय, पार्थ, सव्यसाची, धनंजय भी कहा जाता है। और यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? फाल्गुन इसका उत्तर होगा। अर्जुन स्वयं कहते हैं, अपने बाण में मैं दोनों हाथों से चला सकता हूँ, इसलिए मुझे सव्यसाची कहा गया। क्या कहा जाएगा? ध्यान दीजिएगा, उन्होंने अपने आप से कहा था सव्यसाची। सव्यसाची किसने कहा था? ये अर्जुन का ही नाम है, क्योंकि अपने बाण ये दोनों हाथों से चला लेते, इसलिए इन्होंने अपने आप को सव्यसाची कहा था। धनंजय इनका नाम है, जी हाँ, धनंजय इसका नाम है, ये बात याद रखिएगा। सव्यसाची, ध्यान दीजिए, अर्जुन का ही नाम है धनंजय। पार्थ, आपने सुना होगा, हे पार्थ, पार्थ किसका नाम है? इन्हीं का नाम है। विजय, श्वेतवाहन, कीर्ति, जिष्णु, फागुन, अर्जुन, ये इन्हीं के नाम है, किसके? अर्जुन के। इसलिए ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा प्रश्न है आपसे। जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं वे ध्यान देंगे, वायुपुत्र किसे कहा जाता है? जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वायुपुत्र किसे कहा जाता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, ठीक है, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि वीडियो को ज्यादा लंबी मत किया करिए। भैया सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सरकारी नौकरी लेने का ना कोई शॉर्टकट नहीं होता। उनकी वीडियो पढ़िए जो कहते हैं दो ये वीडियो पढ़ ले जाएंगे तो हो जाएंगे मास्टर, ऐसी क्लास नहीं है। आपको जिनको पढ़ना है डिटेल में पढ़ना होगा, डीप में पढ़ना होगा, ज्ञान अर्जित करना होगा, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और जो शॉर्टकट वाले हैं उनसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, उनके काम की वीडियो नहीं है, मेरी वीडियो एक घंटे से ज्यादा आपको मिलेगी। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, वायुपुत्र किसे कहते हैं? आपने ध्यान से बताइए, हनुमान जी को कहा जाता है पवन पुत्र हनुमान। आपने अगर हनुमान चालीसा पढ़ा होगा तो ध्यान होगा पवन पुत्र हनुमान को कहा जाता है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, धृतराष्ट्र का पुत्र कौन था? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? कमेंट करके जवाब दीजिएगा, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो सभी साथी जरूर कमेंट करके बताएंगे कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। सभी साथी कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा धृतराष्ट्र का पुत्र था। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, कौन निम्नलिखित में से धृतराष्ट्र का पुत्र था? ये आपके सरकारी नौकरी के लिए शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा प्राइमरी जूनियर की विविध के 50 नंबर की सीरीज में आज यहां से 5 नंबर पा जाएंगे, पा सकते हैं अगर आपने इस वीडियो को पूरा तैयार कर लिया तो। धृतराष्ट्र का पुत्र कौन था? सभी साथी जरूर जवाब देंगे। देखिए धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे, याद रखिएगा। उन 100 पुत्रों में से दुर्योधन, दुशासन, जलागंधा,
और सामा महत्वपूर्ण थे। यहां पे दुशासन इसका राइट आंसर होगा, इसलिए जितने साथियों ने इसका उत्तर दुशासन बताया था उनके जवाब सही थे। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग को वास्तव में एक सीरियस स्टूडेंट है, एक सरकारी शिक्षक बनने का आप सपना सजोए हैं तो ध्यान से आप इस प्रश्न का बताइएगा। दुशासन महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, इसलिए आपको भारत भूगोल की एक महाभारत सीरीज यूट्यूब पे मिलेगी इलनी बी दुर्गेश की, जो 18 दिन में संपूर्ण भारत का भूगोल क्लियर हुआ था। 18 दिन इसका सही जवाब है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महाभारत के अनुसार धृतराष्ट्र का भाई कौन था? ये विविध के सिलेबस में है, भारत के महान व्यक्तित्व रचनाएं, अगर आपने पाठ्यक्रम को पढ़ा होगा तो याद होगा यहीं से पूछा था मतेंद्रनाथ का क्वेश्चन शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा 2019 में। महाभारत के अनुसार धृतराष्ट्र का भाई कौन था, यहां पे पूछा किसके अनुसार, महाभारत के अनुसार। तो सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं, क्योंकि अभी मैंने जस्ट बताया इसके चीजों को, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ध्यान से देखा होगा तो आप इसका जवाब देंगे। दुशासन इनका पुत्र था, बताइए कौन था। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं। विदुर इज ए राइट आंसर। धृतराष्ट्र के भाई दासी पुत्र विदुर थे। किसके पुत्र थे? ये दासी पुत्र थे, दासी पुत्र, याद रखिएगा विदुर इसका सही जवाब होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि शिक्षक भर्ती के लिए 5 नंबर यहां से आपको मिलेंगे। ये 2 घंटे की वीडियो लगभग होगी, 1.5 घंटे की, तो 1.5 घंटे में आप यहां से 5 नंबर इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है आप कितना मेहनत करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, योग दर्शन किससे संबंधित है? यह शिक्षक भर्ती का पूछा प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, लेकिन यहां से 5 अंक आपके परीक्षा में जरूर आएंगे। योग दर्शन के रचयिता कौन है? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। सभी जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी क्या प्रतिदिन 9:30 बजे आप लोग इस लाइव क्लास में आएंगे? जितने लोग आएंगे वाई कमेंट करेंगे, जो नहीं आना है वो यन कमेंट करेंगे। डेली क्लास में जो अलार्म लगा के रखेंगे, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथियों से निवेदन है 9:30 बजे शिक्षक भर्ती की, क्योंकि मैं आपको पढ़ाता हूं यार, मैं शिक्षक हो चुका हूं फिर भी मैं अपना समय निकाल कर आपको पढ़ाता हूं, निःशुल्क पढ़ाता हूं, ताकि आप एक एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में, ताकि आपका भी सिलेक्शन हो जाए। मैं चाहता हूं आप भी सरकारी नौकरी करें और आप भी अपने परिवार का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि उन सभी अच्छे व्यक्ति जो इस वीडियो को लाइव देखते हैं, प्रतिदिन मेहनत से पढ़ते हैं, वो सरकारी शिक्षक जरूर बनेंगे। इसका उत्तर होगा पतंजलि, लेकिन पाणिनि इसका सभी लोग बताइएगा। गौतमी और पाणिनि की प्रमुख रचना जो है वो कमेंट करके बताइएगा, गौतमी और पाणिनि। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। योग दर्शन का संबंध पतंजलि से है, ये एकदम सही जवाब है, इसलिए रामदेव का जो प्रोडक्ट होता है, रामदेव का उन वो का नाम क्या है, उसका भी पतंजलि है, इसलिए यहां से याद रखिएगा। तो सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, पाणिनि का संबंध किससे है? ये शिक्षक भर्ती का पूछा प्रश्न है। सोचिए आज की क्लास कितनी महत्वपूर्ण आपके लिए है। सभी साथी बताइएगा, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी बताइएगा। जी हाँ, एकदम राइट आंसर है, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पाणिनि का है। सभी साथी संस्कृत व्याकरण एकदम राइट आंसर आप लोग का है, लेकिन गौतमी क्या है? सभी साथी बताइए, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी बताइए, न्याय का संबंध किससे है? सभी साथी फटाफट कॉमेंट करके बताएंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, बुद्ध का अभिप्राय क्या? एकदम राइट आंसर दीजिएगा, ये आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, एकदम आपको बताना है बुद्ध का अभिप्राय क्या है। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मेरा आपसे निवेदन है, कर भला तो हो भला, ये वीडियो किसी के जीवन में बदलाव ला सकता है। बहुत सारे यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, अगर ऐसा कोई पढ़ा तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, वरना शेयर जरूर करिएगा। आपका वक्त महत्वपूर्ण है और हम आपके वक्त की कद्र करते हैं, और हम सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए मेरी वीडियो बड़ी होती है। बुद्ध का अभिप्राय क्या है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, बुद्ध का अभिप्राय क्या है? सभी साथी फटाफट बताएं, और 1000 से ज्यादा संख्या आपको करनी है, या आपकी जिम्मेदारी है कितना शेयर करना है। अगर आप शिक्षक होते तो क्या करते, क्या आप मेहनत करते? अगर आपको मेहनत करने के बाद संख्या इतनी रहती तो कैसा लगता? देखिए, ज्ञान प्राप्ति इसका सही जवाब है। यार, बुद्ध का नतन लोभी नहीं होगा, मूर्ख नहीं होगा, अत्याचारी नहीं होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अगर जिसको प्रश्न का उत्तर नहीं पता रहेगा वो भी ध्यान से समझेगा तो उसका उत्तर क्या होगा, ज्ञान की प्राप्ति करना, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है कमेंट करके बताइएगा, महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है कमेंट करिएगा। सभी जवाब दीजिएगा, लाइव देख रहे हैं तो लाइव जवाब दीजिएगा, अगर वीडियो को बाद में देखेंगे तो बाद में जवाब जरूर दीजिएगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव हैं वे सभी कई बार इस वीडियो को देखेंगे,
सभी साथियों से निवेदन है, एक बार मत देखिएगा इस वीडियो को, 2 से 3 बार देखिएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। वास्तविक नाम क्या था बुद्ध का, सभी कमेंट करके बताएंगे। भगवान राम के भाई लक्ष्मण की माता कौन है, यह प्रश्न इसलिए है कि अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, इसलिए यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। आपने देखा होगा लॉकडाउन में रामायण की शुरुआत की गई, इसलिए प्रश्न पूछा जाता है भगवान राम के भाई लक्ष्मण की माता कौन थी। यहां पे माता किसका पूछा गया है, लक्ष्मण की, राम के माता का नहीं। यहां पे पूछा किसके गया है, लक्ष्मण की माता का नाम क्या था। तो मेरा निवेदन है कि आप सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, मुझे देखना है कितने लोगों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। ये विविध के पाठ्यक्रम में है, 5 नंबर का है यहां से आपका। सभी साथी फटाफट बताएं ये क्लास कैसी लगी, कमेंट जरूर करिएगा। अगर क्लास बेहतर लगे तो आप अपने स्टेटस पे लगाइएगा, अगर आप व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाएंगे आपके परिवार के लोग, आपके मित्र, आपके साथी उस वीडियो को क्लिक करेंगे और ये जानेंगे मैं आपके परिवार से जुड़ूंगा और हमें जुड़कर आपके परिवार से बहुत खुशी मिलेगी। हम आपके मित्र से आपके जिले में जुड़ेंगे जब इस वीडियो को आप अपने स्टेटस पर जगह देंगे। ये वीडियो जौनपुर जनपद से चल रही है, जहां से देखिएगा सुमित्रा जो थे वो कौन थे, यहाँ पे लक्ष्मण। ठीक है, देवकी यहां पर होगा नहीं, आगे देखेंगे। कैकेयी की बात करें, ध्यान दीजिएगा, देखिए कौशल्या, देवकी, कैकेयी देखा जाए तो राम कृष्ण, यहां पर देखिएगा देवकी जो है ये कृष्ण, देवकी क्या है कृष्ण हो गई। कैकेयी, कैकेयी किसकी माता थी, ध्यान से देखिएगा, कैकेयी देखा आपने, देखा होगा कैकेयी भरत की। अगर कौशल्या की बात की जाए तो कौन कौन है, राम और शत्रुघ्न। ठीक है, याद ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने चारों के बारे में बता दिया। अब उम्मीद करता हूं आपको यहां से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो भी साथी लाइव देख रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा होगा, मैंने आपको पहले बताया सिलेक्शन लेना है आपको। अच्छा, गलत मैंने बता दिया, ध्यान दीजिएगा। देखिए भरत इनकी माता है, सुमित्रा लक्ष्मण की है, कौशल्या की राम और शत्रुघ्न होंगे ना। देखिए कोई गलती होगी उसके लिए माफी। ठीक है, शत्रुघ्न सुमित्रा, शत्रुघ्न, अच्छा शत्रुघ्न सुमित्रा। देखिए लक्ष्मण की माता का नाम सुमित्रा है, क्लियर है ये। ठीक है, अच्छा ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगला प्रश्न है आपका, कृष्ण की माता का नाम देवकी, ध्यान दीजिएगा, कृष्ण की माता का नाम देवकी, बलराम की माता का नाम क्या है। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, जो भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि कृष्ण की माता का नाम देवकी, बलराम की माता का नाम क्या था। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे, सभी साथी जो लोग वीडियो को लाइव देखते हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे कृष्ण की माता का नाम देवकी, बलराम की माता का नाम क्या था। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करिए। देखिए यहां पर एकदम राइट आप लोग बता रहे, रोहिणी इसका राइट आंसर होगा। कृष्ण की माता का नाम देवकी, लेकिन बलराम की माता का नाम रोहिणी था। रोहिणी जो थी ये वासुदेव की दूसरी पत्नी थी, पहली पत्नी कौन थी देवकी, दूसरी पत्नी कौन थी रेवड़ी किसकी, वासुदेव की। ध्यान दीजिएगा, ये वासुदेव की दूसरी पत्नी थी रोहिणी, एकदम रट्टा मार लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर ऊपर नीचे कहीं एक तो गलती हो गया, 50 प्रश्न 100 प्रश्न अगर एक तो कहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि मैं कभी पिक्चर नहीं देखा, रामायण महाभारत मेरे दूरी काफ़ी रही है, इसलिए प्राय यहाँ से गलती हो सकती है। मैं मूवी नहीं देखता, मुझे नहीं पसंद है, गाने नहीं पसंद है मुझे, मुझे किताबी कीड़ा रहा हूँ बचपन से। ठीक है, ठीक है, जिसने बताया था उसका सही जवाब था। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ मठ का संबंध किससे है, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रट्टा मारिए, यहां से शिक्षक भर्ती परीक्षा में जरूर आएगा। बद्रीनाथ मठ का संबंध किससे है, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, बद्रीनाथ मठ का संबंध किससे है। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, बड़े प्रश्न हमसे गलत नहीं होते, वो छोटे प्रश्न जो होते प्राय वो गलत हो जाते, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। कुछ लोग कहेंगे कि जब ये प्रश्न नहीं आता तो उनको क्या आता होगा, ऐसा नहीं है, छोटी छोटी चीजें कभी गलती हो सकती है, कि मुझे ये राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। बद्रीनाथ किससे संबंधित है,
मठ किससे संबंधित है, सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए बद्रीनाथ मठ का संबंध विष्णु से है। ये कहां पर है? ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड का कौन सा जिला? चमोली जिला। फूलों की घाटी कहां है कमेंट करके बताइएगा। ये अलकनंदा नदी किनारे भगवान विष्णु का प्राचीन मंदिर है और एक शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी। किसके द्वारा यह प्रश्न पूछा जा सकता है? जी हां, शंकराचार्य। जैसे इस बार आपने देखा होगा क्या पूछा था, गोरखनाथ, गोरखनाथ ध्यान से पढ़ा होगा, नाथ संप्रदाय, इसके पहले नाथ संप्रदाय पूछा जा चुका है, नाथ संप्रदाय पूछा जा चुका है, नाथ संप्रदाय पूछा जा चुका है, इसलिए गोरखनाथ भी जिसका उत्तर गलत मतलब नाथ माना गया है। तो शंकराचार्य ने किसकी, बद्रीनाथ मठ की स्थापना शंकराचार्य ने की थी। कब की थी? नौवीं सदी में। कब? नौवीं सदी में। कहां पे? उत्तराखंड के चमोली जिले में। कहां पे? गढ़वाल की पहाड़ियों में, गढ़वाल की पहाड़ियों में। ठीक है, किस नदी किनारे? अलकनंदा नदी के किनारे। ये पूछ सकता है अलकनंदा, अलकनंदा नदी के किनारे। इसलिए इस प्रश्न का इंपॉर्टेंट जानते रहिएगा। फूलों की घाटी किसे कहते हैं कमेंट करके जवाब दीजिएगा और यकीनन इससे बाहर आपके परीक्षा में प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे। जिन्हें सरकारी नौकरी करनी, जिन्हें सिलेक्शन लेना है, वो सभी वीडियो का अंत तक बने रहेंगे। कुछ लोग कहेंगे सर जल्दी खत्म हो, लेकिन जल्दी शॉर्टकट नहीं होता सफलता का, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। भक्ति आंदोलन शुरुआत किसने की थी बताइए। देखिए अगर हम यहाँ पे विश्व का, भारत का मैप अगर हम छोटा सा ड्रा कर रहे और हम ये चाहें कि आप यहां से इस प्रश्न का जवाब दे। देखिए यहाँ पे माना ही भारत का मैप, मैंने एक हाथ से 100 बना दिया, तो आप लोग फटाफट जरा कमेंट करके बताइए इसका क्या होगा। देखिए अगर हम यहाँ पे इस प्रश्न का जानना चाहें तो सबसे पहले इसकी जो दक्षिण भारत में, यहाँ पे कहाँ पे, ये दक्षिण भारत से शुरुआत हुई थी। कहाँ से? साउथ इंडिया, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और इस आंदोलन के अगर शुरुआत देखा जाए तो रामानुज सही है। किसने? रामानुज। ठीक, अगर रामानंद की बात की जाए तो ये उत्तर भारत के हैं, उत्तर भारत। तो यहां पे दो चीजें हैं, अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो आपको दो प्रश्न का उत्तर मिलेगा। दक्षिण भारत में रामानुज, उत्तर भारत में रामानंद, दो प्रश्न आपके तैयार हो गए। दोनों याद रखिएगा, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रचारक थे ये, क्या थे ये? रामानंद प्रचारक थे। लेकिन शुरुआत किसने की? वो रामानुजन ने की। ये शुरुआत किसने की, ये प्रश्न अगर पूछेगा कि शुरुआत किसने की, तो रामानुजन ने की, लेकिन उत्तर भारत के जो प्रचारक थे वो रामानंद थे। इसलिए इस प्रश्न को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। उत्तर भारत में कौन लाया? रामानंद प्रचारक थे, लेकिन इसकी शुरुआत किसने की? तो रामानुजन ने की थी। ठीक है, दक्षिण भारत से इसकी शुरुआत हुई थी। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। यार आपकी संख्या कम हो रही है, बढ़ने की जगह क्या आप इतनी मदद नहीं करेंगे कि आप, मैं अगर अच्छा पढ़ा रहा हूं तो और लोगों तक पहुंचे? अगर आपको ये लग रहा है कि मदद करनी चाहिए, लोगों तक पहुंचानी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय पुनर्जीवन पुनरुद्धार के पद प्रदर्शक कौन थे? सभी साथी कॉमेंट करके इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपके सिलेबस में है, यह प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में है। इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देखिएगा, सभी साथी स्टेटस पे जगह दीजिएगा, फेसबुक चलाते तो फेसबुक पे शेयर करिएगा, आपके पास अगर व्हाट्सएप ग्रुप हो उन्हें शेयर करिएगा। बताइए सभी साथी, भारतीय पुनर्जीवन पुनरुद्धार के पथ प्रदर्शक कौन थे? एकदम सही जवाब आप लोग के आ रहे हैं, और भगवान करे जितनी मेहनत ईमानदारी से आप यहां पढ़कर आगे बढ़ना चाह रहे उतनी मेहनत से और आगे जाएं। यहां पर होगा राजा राम मोहन राय, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यार मैं भी थक जाता हूं, मैं गवर्नमेंट शिक्षक होने के बाद भी मैं आपको निःशुल्क पढ़ा रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग निःशुल्क सेवा आपके लिए हो जाए, मैं एज ए गेस्ट टीचर आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा एक ही उद्देश्य है, कर भला तो हो भला। ठीक है, तो यहां पर राजा राम मोहन राय इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक,
रट्टा मार लीजिएगा, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद उम्मीद कर रहा हूं आपको दिख रहा होगा, हिंदू विधि को सबसे पहले संहिताबद्ध किसने किया, किसने हिंदू विधि को। एकदम यूनिक प्रश्न है, नया प्रश्न है, और मैं पूछ सकता हूं आपके ये पाठ्यक्रम में है, आपके सिलेबस में है, तो यार इसका जवाब जरूर दीजिएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, सभी साथी जरूर जवाब दीजिएगा, सभी साथी संहिताबद्ध किसने किया था, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। वाल्मीकि, वेदव्यास, पाणिनि, रामायण किसने लिखी थी, महाभारत किसने लिखी थी, यह आप लोग को बताना होगा। देखिए मनु विधि, लॉ ऑफ मन, इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। यहां पे क्या होगा, ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इन्होंने हिंदू विधि को संहिताबद्ध किया था, जिसे हम लॉ मनु के नाम से जानते हैं, जिसे हम मनु विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, मनु की विधि। तो आप बताइएगा वेद व्यास की रचना किसी की थी, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पे होगा महाभारत, वाल्मीकि ने रामायण, पाणिनि ने, कमेंट करके बताइए पाणिनि ने क्या किया था, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए पाणिनि ने क्या किया था। सभी साथी फटाफट कमेंट करें पाणिनि का संबंध किससे है, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। जी हां, अष्टाध्यायी, पाणिनि का अष्टाध्यायी है, एकदम रट्टा मान लीजिएगा अष्टाध्यायी। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, जवाब जरूर दीजिएगा। सभी साथी जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, यार आपकी संख्या कम हो रही है, बढ़ने की जगह गजब के लोग हैं यार। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, सभी साथी फटाफट कमेंट करें, पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है। क्या आप लोग को ऐसा नहीं लगता कि सर की वीडियो को लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अगर आपकी आत्मा ये कहे कि मैं मेहनत और ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं, मैं आपके लिए वो प्रश्न पढ़ा रहा हूँ जो परीक्षा में आएगा, तो लोगों तक जरूर पहुंचेगा। यार एक घंटे से ऊपर मैं क्लास लगातार लेक्चर दे रहा हूँ, मैं, मेरा गला सूख रहा है, लेकिन मेरा बस एक ही है, मैं आपको सरकारी नौकरी दिलाना, आपको सिलेक्शन दिलाना। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, यहाँ से आपके 5 प्रश्न परीक्षा में आएंगे। आज की क्लास आपने पूरी पढ़ी होगी तो इसका उत्तर होगा। देखिए बाइबिल जो है किसका है, त्रिपिटक किसका है, इस प्रश्न का उत्तर जो है पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है वो जिंदा वेस्ता है। क्या है आपका, जिंदा वेस्ता, पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है ये। ठीक, त्रिपिटक किसका है, बाइबिल किसका है, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर बी होगा, ध्यान से देखिएगा बी होगा। ठीक, यहां पर क्या होगा, जिंदा वेस्ता होगा। ये ईसाई धर्म का है, ये ईसाई धर्म का है, ये बौद्ध धर्म से है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जिंदा वेस्ता होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को सिलेक्शन लेना है, आप लोग को सरकारी टीचर बनना है, इसका शॉर्टकट नहीं होता कोई, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर बी जितने लोगों ने बताया था उनके जवाब पूरी तरह से सही है, याद कर लीजिए। मुझे नहीं लगता जीवन में कभी आपका प्रश्न गलत होगा, यहां से कभी गलत नहीं होगा। अगर पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ अगर पूछ लिया तो जिंदा वेस्ता इसका राइट आंसर होगा। सोचिए ऐसे प्रश्न आपको तैयार करना अगर परीक्षा में आता, सोचिए कितने लोग की गलती होती, लेकिन आपने आज अगर पढ़ लिया तो भविष्य में यहां से गलती कभी नहीं होगी। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। क्रिसमस का त्यौहार ध्यान दीजिएगा 25 दिसंबर को आता है, 25 दिसंबर को। सूर्य कहाँ होता है, ये हमारी पूरी पृथ्वी हो गई, ये 0 डिग्री हो गई, और 25 दिसंबर को जो होता है सूर्य यहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है, 23 सही, ध्यान से देखिएगा, सूर्य यहाँ पर होता है 23 सही 1/2 डिग्री साउथ में। कहां पर होता है, ये मकर रेखा पर होता है। किस पर, मकर रेखा। तो मकर रेखा पर कौन सा देश है, कनाडा,
ये 66 के ऊपर है, इटली मैक्सिको यहां पर है, ये गलत, यहां होगा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है ये मकर रेखा पर है, कहां पर है, मकर रेखा पर है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि ग्रीष्म ऋतु गर्मी, अगर पूछा जाए कि गर्मी 25 दिसंबर को सबसे ज्यादा कहां पड़ेगी, तो मकर रेखा पर पड़ेगी, 23.5 डिग्री साउथ में पड़ेगी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए इसका सही जवाब होगा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, अभी और आगे पढ़ना है, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। कितने लोग को लग रहा है ये क्लास आपके लिए काबिले तारीफ है, कितने लोग को लग रहा है ये क्लास आपके जीवन की एक यादगार क्लास है? अगर लग रहा है तो भैया कम से कम कुछ नहीं कर सकते, लोगों की साहस तो बढ़ा सकते हैं, अच्छी बातें लोगों तक पहुंचा तो सकते हैं, इतना जरूर करिएगा। आगे बढ़ रहा हूं मैं अगले प्रश्न की तरफ। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक कौन है, ये भी आपके सिलेबस में है। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक कौन है, कमेंट करके बताइएगा। सभी साथी जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, ये क्लास प्रतिदिन निशुल्क आपकी रात 9:30 बजे लाइव चलती है, अलार्म लगा लीजिएगा। टेलीग्राम पे आप दुर्गेश सर सर्च करिएगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे बॉक्स में होगा, ठीक है। सभी साथी फटाफट कमेंट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क क्लास नोट्स आपको मिल जाएगा। ये टॉपिक बाई क्लास पूरी तरह से फ्री चलती है, और अगर ऑनलाइन क्लास नोट संबंधित यदि कोई आपको जानकारी चाहिए तो यहां से जुड़ सकते हैं। ये जौनपुर जनपद के लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है जो मैंने आपको उपलब्ध करा दिया। कोई भी क्यूरी हो यहां से व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक कौन है, तो देखिए रविशंकर, श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक है, ठीक। यह इन्होंने इसके प्रचार प्रसार के लिए एक अंतरराष्ट्रीय बनाया, ठीक। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नाम लेना बहुत बड़ी बात नहीं, सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात है, इसलिए पहले सिलेक्शन के लिए पढ़िए, नाम लोग हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा नाम कार के किसी मॉडल का नहीं है, एकदम सरल प्रश्न है, और मैं चाहूंगा जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी कॉमेंट करके बताएंगे कौन सा नाम इसमें मॉडल कार के मॉडल का नहीं है, एकदम आंसर राइट बताइएगा। देखिए मेरी दो चैनल है, स्टडी विद दुर्गेश, बाकी क्लासेस जैसे जो है वो स्टडी विद दुर्गेश सर पर चलती है, इसलिए मैं आप लोग को बार बार कहता हूँ टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे तो सभी क्लास के लिंक, ये एक यूट्यूब चैनल और है शिक्षक भर्ती की, बाकी क्लासेज इस पर चलती हैं, इसलिए इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, एक्सप्रेस इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, एक्सप्रेस इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये किसी कार का मॉडल नहीं है, एकॉर्ड है, लॉन्चर है, एक्सलेंट है, ये इसका नाम नहीं है, ठीक है। ये तीनों, देखिए अगर हम एक्सेंट की बात करें तो एक्सेंट हुंडई की है, किसकी है, ये हुंडई की कार है, ये हुंडई की कार का मॉडल है, ठीक। फोर्ड कंपनी का है, अगर देखा जाए एकॉर्ड किसका है तो ये फोर्ड कंपनी का है, ये फोर्ड कंपनी का है। अगर हम लांसर की बात करें, ठीक, हाँ चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लांसर मुझे याद नहीं है किसका है, तो एक्सप्रेस हो गया। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न के लिए। चलिए अगला है, तंतुश्री नामक संस्था का प्राथमिक उद्देश्य है, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, तंतुश्री नामक संस्था का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब जरूर देंगे, सभी साथी बताइए फटाफट कमेंट करके। तंतुश्री नामक संस्था का कौन है, सभी साथी फटाफट कमेंट करें और दिए गए प्रश्न का जवाब दें। तंतुश्री की बात की जाए, ध्यान दीजिएगा ये क्लास फेसबुक पे लाइव चल रही है, यूट्यूब पर भी लाइव चल रही है, दोनों जगह, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कहां तक पहुंचाते हैं। देखिए ये हस्तकला व हस्तशिल्प, हस्तकला व हस्तशिल्प, ध्यान दीजिएगा यहां पर ये लाइव क्लास चल रही है आपके लिए, हस्तकला व हस्तशिल्प गृह उद्योग को प्रोत्साहन देना ये तनुश्री नामक संस्था का सबसे बड़ा, सबसे प्राथमिक उद्देश्य है। इसलिए जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है उन लोग के जवाब पूरी तरह से सही हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है,
अगला है, प्रथम बार भारत में आईएएस की परीक्षा कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूं जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे होंगे वे सभी फटाफट कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सही जवाब देंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करें जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे से लाइव चलती है, शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा के लिए विविध स्पेशल। इस क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जहां पे आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आप जुड़ सकते हैं। ये क्लास पूरी तरह से फ्री और निःशुल्क आपके लिए चलती है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है राष्ट्रीय देशित में शिक्षा देना, ताकि आप भी भविष्य में एक सरकारी शिक्षक बन सके। और शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा के जूनियर प्राइमरी के लिए प्रश्न आपका है। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपको ऑनलाइन कोई जानकारी चाहिए उसके लिए आप 6306344367 पर जुड़कर ऑनलाइन क्लास संबंधी जानकारी ले सकते हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है। मैं बतौर एज ए गेस्ट फैकल्टी ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क लाइव क्लास आपको पढ़ाता हूँ, तो हो सकता है ये सारी चीज़ें आपके काम में आ जाए। अब देखिए, अगर आईएएस की बात की जाए तो प्रथम प्रतियोगिता परीक्षा देखा जाए तो भारत में प्रशासनिक सेवा की भर्ती के लिए प्रथम प्रतियोगिता, भारत में प्रथम प्रतियोगिता का परीक्षा अगर यहाँ पर दिए गए विकल्प देखा जाए तो जुलाई 1947, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, उस समय भारत के उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल भारतीय प्रशासनिक सेना का जनक माना जाता है। माने अगर भारत में भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसे माना जाता है तो वल्लभ भाई पटेल होगा। इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय सिविल सेवा का जनक, आईएएस का जनक भारतीय, ठीक है, भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। अगर इसके बारे में देखा जाए कि अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान भारत के संविधान की बात किया जाए तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 312 में है। कहां पर है? भारतीय संविधान में है। ठीक है, भारतीय संविधान में अगर देखा जाए तो इसका जिक्र कहां पे किया गया है? अनुच्छेद 312 में किया गया है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपके जो कॉन्सेप्ट थे वो पूरी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। अब आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है। इसके अलावा अभी और भी है क्या जी? अभी और भी है शायद। चलिए हम आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे क्योंकि या समय बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो आप लोग के मन में अगर कोई प्रश्न हो तो फटाफट पूछ लीजिएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करने के बाद वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप इतनी मेहनत करते तो क्या आप इस वीडियो को शेयर करते? क्या आप इस वीडियो को जगह देते अपने फेसबुक पर, वाल पर, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर? साथ ही साथ आपका जो भी फेसबुक ग्रुप हो उन सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा। और अगर आपने ऐसा किया तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सभी को जल्दी से सरकारी नौकरी दिलाए। और यदि कोई भी प्रश्न, कोई क्यूरी हो जरूर पूछिएगा। 9:30 बजे अपने मोबाइल में अलार्म लगा लीजिएगा अगर आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करना है। बाकी UP TET, CTET, अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप जौनपुर जनपद से हैं तो आप ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा, मुझे आपके साथ जुड़कर काफ़ी खुशी मिलेगी। आप इस ई लर्निंग विद दुर्गेश के परिवार का हिस्सा हैं जैसे मैं भी हूं। और एज ए गेस्ट फैकल्टी मैं आपके लिए बतौर शिक्षक आपको पढ़ाता हूं। मैं भी बैठ के घर में आराम कर सकता था, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप भी अच्छा करें और बेहतर करें, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। कि जितने लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे वो वाई कमेंट करेंगे और जो नहीं वो यन कमेंट करेंगे, क्योंकि आपका सहयोग होगा तो मैं और मेहनत करूंगा। अगर आप सहयोग देंगे तो मैं और बेहतर क्लासेज आपके लिए लाऊंगा। तो मैं चाहूंगा आप ये सोचें, यह वीडियो की क्लास, आपकी शिक्षक भर्ती क्लास 1000 से ज़्यादा लोग प्रतिदिन आपके साथ लाइव देखें, तो आपकी भी उतनी जिम्मेदारी होगी जितनी मेरी होगी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करने के बाद अपने साथी मित्रों को शेयर करिएगा। आपको लगता होगा ये बार बार शेयर करने को क्यों कहते हैं, लाइक करने क्यों कहते हैं, इससे मुझे पैसे नहीं मिलते। लेकिन हाँ, एक बात होता है कि जब मैं मेहनत कर रहा हूँ, इस मेहनत का परिणाम उन गरीब परिवार, उन बच्चों तक मिले जो सरकारी शिक्षक बनने का सपना सजे हुए हैं। क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ किसी भी कोचिंग संस्थान में, जो लोग आप
पढ़ रहे हैं, जहां पे किसी भी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में लोग केवल प्रश्न का उत्तर बताते हैं, कहते हैं ये पढ़ लिया तो पास हो जाओगे, लेकिन सफलता का शॉर्टकट नहीं होता। मैं आपके सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहा हूं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप ऐसा काम करिए आपका नाम, आपके परिवार, आपके समाज में अपने आप हो। बहुत बहुत धन्यवाद, और राष्ट्रहित में, देश हित में निःशुल्क शिक्षा मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ताकि आप भी एक सरकारी शिक्षक बनकर आप अपना बेहतर दें। अगर मुझसे बहुत ज़रूरी मेरे मुझसे बात करना है तो मेरा व्यक्तिगत नंबर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 9506701777। आप यहाँ पर मुझे व्हाट्सएप करिएगा, कॉल करने से बचिएगा, नाम जिला आप जरूर लिखकर भेजिएगा, ताकि आपका नंबर मैं सुरक्षित कर सकूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़कर, काफ़ी खुशी हुई, और आप इतना बेहतर करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। मुझे नहीं लगा कि मैं 1.5 घंटे से आपकी क्लास को लाइव पढ़ा रहा हूँ। जब भी बाद में देख रहे हैं तो बाद में शेयर करिएगा, जब भी आप इसे देखिएगा तब आप लोगों तक पहुँचाइएगा, क्योंकि ये आपकी क्लास है और आपके सिलेक्शन के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत अच्छा लगा, बाय बाय। ठीक है, वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा लोगों तक। कोई सवाल आपके मन में तो पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल आपके मन में है जल्दी से लाइक करिए। कुछ लोग लाइक कर देंगे, संख्या 500 के ऊपर पहुंच जाएगी, तो जितने लोग बचे हैं फटाफट लाइक करा दीजिएगा, ताकि 500 के ऊपर लाइक पहुंच जाए। और ये आप लोग का कर्तव्य है, मेरा नहीं, मेरा पढ़ाने का कर्तव्य है। बाकी मेहनत आपको करना है, सफलता आपकी मेहनत से मिलेगी, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो पूछ सकता है, नाम हम लेने का काम नहीं करते। मेरा मन करेगा तो मैं आपका नाम लूंगा, आपके कहने से नहीं, क्योंकि आप जी हाँ, अनमोल यादव जी, ऑनलाइन क्लास के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, सभी चीजें आपको मिल जाएगी, क्लास नोट सभी चीजें यहां से मिलेंगी। और कोई सवाल आपका? एकता जी बहुत बहुत धन्यवाद, जूही जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आप लोगों के साथ। जी हाँ, कल्पना जी धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा, बाय बाय। अनु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कोई गुप्ता है, पता नहीं कौन सा गुप्ता है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलें, इजाज़त दे देंगे आप लोग, 1.5 घंटे से चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला सूख गया यार, लेकिन आपको नौकरी मिल जाएगी तो मेरा गला सही हो जाएगा, आप सफल हो जाएंगे, मेरी मेहनत का प्रतिफल मुझे मिल जाएगा, तो आपका सफल होना बहुत जरूरी है। बाय बाय।